नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी बात करेंगे शिक्षण कला पर बात करेंगे। शिक्षण कला आप सभी के बिहार के यह स्टेट में पूछे जाने वाला है दोस्त। अगर आपकी बात करें दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण या 30 प्रश्न जो होंगे, और आप जानते हैं 30 प्रश्नों की श्रृंखला होती है। और साथ ही साथ बात किया जाए कि दोस्त जो आप सभी से पेपर में भी पूछे जाएंगे वह 30 ही प्रश्न होंगे जो आपके क्वालिफाई नेचर का होगा, मतलब आपको क्वालिफाई करना होगा दोस्त उसमें। और आपसे बात करें तो आप सभी के लिए जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर आपके सामने होगा, जिसमें RT 2009 है, अधिगम है, शिक्षण है, या माइक्रो टीचिंग क्या है, या आकलन है, मूल्यांकन है, इन सभी चैप्टरों से चीज़ें पूछी जाने वाली है। तो आप सभी के सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्त ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्त दिखाई दे रहा होगा, क्या इसमें से करेक्ट होगा, बात करेंगे। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं, कर पिछड़े बालक या विशेष बालक या बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर। करा कि मंद अधिगमकर्ता, करा मंद क्या करा है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है क्या किस प्रकार के बच्चे कहलाते हैं दोस्तों। तो आप कह सकते हैं दोस्तों क्या वह कौन से विशेष बच्चे होंगे या फिर आपके पिछड़े बच्चे होंगे, तो आप दोस्त सीधा सा कहेंगे वह आपका पिछड़ा बालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाता है दोस्तों, वह पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका इसमें से राइट आंसर। देखिए विशेष कोई बच्चा इसमें नहीं है, बाल अपराधी भी ऐसा कुछ नहीं है, मानसिक रूप से कमजोर आप नहीं कह सकते हैं, मानसिक रूप से बच्चा कमजोर नहीं। क्या सिर्फ दिया गया है, शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाता है बच्चा, वह पिछड़ा बालक कहलाता है दोस्तों। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, या करें विशेष शिक्षा, या करें एकीकृत शिक्षा, या अपवर्जन शिक्षा। दोस्तों अगर हम चर्चा कर लें इसमें साथी, अगर बात करें क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा, अगर हम साथी बात कर लें, ध्यान देंगे साथी, करा कि आपसे अपवंचित समूहों से, करा कि अपवंचित समूहों के विद्यार्थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह अपवंचित समूह वाला बच्चा विशिष्ट बच्चा कहलाए, क्या कहलाए, विशिष्ट बालक कहलाए। और आप जानते हैं विशिष्ट बालक के साथ साथ आप सभी सामान्य बच्चों को जो पढ़ाते हैं, सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, सामान्य बालक को या विद्यार्थी को आप कह सकते हैं, इस प्रकार की शिक्षा क्या कहलाती है दोस्तों, इस प्रकार को शिक्षा पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार के अफराय किससे क्या कहलाता है दोस्तों, वह दोस्त कहलाता है समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है, मतलब सामान्य के साथ साथ विशिष्ट, या विशिष्ट के साथ साथ सामान्य, और बिना भेदभाव करते हुए जो हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं वही दोस्तों समावेशी शिक्षा कहलाता है। आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेकंड का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। प्रश्न संख्या थर्ड नंबर की बात करें, कर निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, कर विद्यार्थी की अभिरुचि, या विद्यार्थी की सांवेगिक स्वास्थ्य, कर शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, या विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ऑप्शन में साथ ही दिया गया है पहला दूसरा, बी ऑप्शन में दिया गया है दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सी में दिया पहला दूसरा तीसरा चौथा, डी में दिया गया पहला और दूसरा। साथ ही आप बात करेंगे कौन सा इसमें कारक जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं, बेहतरीन प्रश्न है इसमें से साथ ही बात करेंगे कौन सा आपसा आपका इसमें से राइट आंसर बन सकता है, बताने का प्रयास करेंगे साथ ही इसमें से कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर बन सकता है, बताने का दोस्त प्रयास करेंगे क्या इसमें से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जी जी दोस्त, इसमें से आपका क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है, जी इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर साथी बनेगा, क्या इसमें से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर हम दोस्त बात किया जाए इसमें से जो राइट आंसर की अगर हम चर्चा करें, तो जो बनने वाला आपका प्रश्न है ऑप्शन इसमें से होगा विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी अभिरुचि भी प्रभावित करता है, विद्यार्थी के सामाजिक स्तर भी करता है दोस्तों, सामाजिक स्वास्थ्य भी, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति भी, और साथ ही साथ विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी। तो इसका मतलब चारों की चारों सही है, और ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। क्या बनेगा साथी, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। देखिए साथी अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, देखिए लर्निंग को दोस्तों बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा
तो भी प्रभावित होगा होगा कि नहीं होगा, एकदम साथ ही प्रभावित होगा। अगर हम दोस्त बात करें विद्यार्थी को जो संवेगी स्वास्थ्य अगर दिक्कत में है, तो संवेगी अगर बात करें संवेग उसमें ज़्यादा हावी होगा तो भी प्रभावित होगा। अगर बात करें शिक्षा शास्त्री जो रणनीति है, जो टीचर का पढ़ाने की शैलियाँ हैं, वो अभी अगर दिक्कत में रहेगा, सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, तो बच्चा भी सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। विद्यार्थी का जो सामाजिक सोशल और जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, वो अभी बच्ची को अध्ययन में प्रभावित करता है। इसलिए साथ ही आपका जो बनेगा ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, प्रश्न संख्या फोर्थ नंबर के लिए, करें बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, करें पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलता पर ही बल होगा, या बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक बच्चों का विकास होगा, करें शिक्षण स्वास्थ्य एकाधिकारवादी होगा, या करें दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। साथ ही प्रश्न संख्या फोर्थ नंबर का प्रयास करेंगे, क्या आपका राइट आंसर होगा। अगर प्रश्न संख्या अगर हम फोर्थ नंबर की चर्चा करें साथी, आपका इसमें से क्या राइट आंसर बन जाएगा जी, प्रयास करेंगे साथी बताने का इसमें से आपका क्या राइट आंसर बनेगा जी दोस्त, प्रयास करेंगे इसमें से बताने का आपका क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है, क्या इसमें से आपका राइट आंसर दोस्तों हो सकता है। बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एकदम अवश्य आपको देखने को दोस्त मिलेगा। करा कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली आपसे पूछ रहा है कौन सा होने वाला है, सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा इसमें से करेगा, एकदम प्रयास करेंगे साथी कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा जी बताने का प्रयास करेंगे साथी, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। जी आपका दोस्त इसमें से कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। अगर आपसे दोस्तों बात करें तो जानते हैं दोस्तों, अगर बात करें सर्वाधिक जो प्रभावशाली होगा वह कौन सा बनेगा जी, एकदम थोड़ा सा जी एकदम प्रयास करेंगे साथी। देखिए यहाँ पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलता पर बल देना दोस्तों, अगर हम पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलता की सिर्फ बात करें, पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलता की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, सिर्फ तो या तो संज्ञानात्मक पक्ष होगा, सिर्फ तो दोस्त इसमें संज्ञानात्मक पक्ष ही क्या हो रहा है, पक्ष ही इंक्लूड हो रहा है ठीक है। अगर हम साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कर संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक साथ साथ मनोचालक, इसके का मतलब होता है आप जानते हैं संज्ञानात्मक भावात्मक मनोचालक तीनों अगर पक्ष की बात होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह आपका होना चाहिए बी ऑप्शन, कि सिर्फ यहाँ पर ए ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा दोस्तों क्योंकि संज्ञानात्मक पक्ष ले रहा है, और सी में अगर शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारी होना चाहिए दोस्तों, एकाधिकारवादी कैसे होगा, लोकतांत्रिक होना चाहिए दोस्तों, एकाधिकारवादी थोड़ी ना होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिकवादी होनी चाहिए, इसका मतलब यह भी दोस्त आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा दोस्तों, निष्क्रिय नहीं बालक भी सक्रिय होगा, यह भी इसका मतलब है गलत है। आपका क्या बनेगा बी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर दोस्त हो जाएगा, कौन सा प्रश्न संख्या फोर्थ का बी ऑप्शन आपका इसमें से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त, प्रश्न संख्या फिफ्थ नंबर के लिए, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है दोस्तों आपसे ऐसा पूछ रहा है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्रणाली की एक वृद्धि है, या अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है, कौन सी इसमें से एक विशेषता नहीं है। बेहतरीन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक दोस्त देखने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर बन सकता है, कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर बन सकता है। अगर हम चर्चा करें दोस्तों करा कि कौन सा एक विशेषता नहीं होगा, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन, या भी दोस्त आप जानते हैं सही होगा, अधिगम प्राणी को अवृत्ति है, एकदम सही है, अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है, साथ ही साथ ये ऑप्शन देखेंगे साथी, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है दोस्तों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देखिए आप कैसे कर सकते हैं अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से, अधिगम जो सीख रहे हैं आप क्या आपके सामने दिखाई देता है दोस्तों, आप महसूस कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यह प्रत्यक्ष नहीं होता और इसीलिए दोस्तों यह विशेषता गलत है, और इसीलिए आपका ए ऑप्शन इसमें से गलत होगा, विशेषता प्रत्यक्ष अवलोकन जो अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है यही आपका पॉइंट गलत है दोस्तों। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन यह भी सही है, एक अवृद्धि भी है, एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया भी है, लेकिन ए ऑप्शन आपका गलत था, तो इसका मतलब है आपका ए ऑप्शन ही राइट होगा। सिक्स नंबर की चर्चा करें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिपणित नहीं होता है,
सार्थक अगर बात करें, सार्थक सरलीकरण के रूप में वर्णित नहीं होता है। दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, या पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। साथ ही इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनेगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 6 नंबर है, क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। अगर हम 6 नंबर की चर्चा करें दोस्तों, इसमें 6 नंबर की बात करेंगे, कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा। अगर हम चर्चा करें दोस्तों, यहां पर देखें कौन सा इसमें से गलत आपसे पूछ रहा है, तो गलती आपसे पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं उदाहरणों गैर उदाहरणों का प्रयोग करना सही होता है। अधिगम को सार्थक सरलीकरण मतलब कहीं ना कहीं अधिगम को सरल बनाने के लिए आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं उदाहरण जो ऐसा होना चाहिए, उदाहरण एक उदाहरण आप दीजिए जो उसकी एग्जाम्पल है, और गैर उदाहरण भी दीजिए जो उसके इतर भी है, उससे बच्चे को पता चलता है कि इसका इसका यूज यहाँ नहीं होगा या तो पॉजिटिव है। एक समस्या को अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को रचनात्मक चिंतन की डेवलप करने की बात करें, रचनात्मक चिंतन बढ़ाने की बात करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी दोस्त आपका पॉजिटिव है। लेकिन पहले से विद्यमान ज्ञान से दूसरे ज्ञान को जोड़ना एकदम सही है, जो पहले का बच्चे का पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान से विद्यमान ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, इसका मतलब है पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ना, यह भी साथ ही आपका बनेगा। लेकिन आपका इसमें से दोहराने और स्मरण करने वाली बातें या एनसीएफ या दोस्तों एनसीएफ 2005 इसकी बात करें, एनसीएफ 2005 की बात करें दोस्तों, इसका विरोध करता है, और इसीलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका बन जाएगा दोस्तों, दोहराने पर आपका बातें बिगड़ेंगी, 6 का ए ऑप्शन इसलिए आपका करेक्ट बनेगा। सीबंध नंबर के लिए साथ ही बात करें, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, क्रस शारीरिक दंड, क्रस सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, क्रस सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, कर पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा, कर दूसरा तीसरा। साथ ही इसमें से कौन सी होगी, कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, प्रश्न संख्या अगर हम 7th नंबर की बात करें, अच्छा प्रश्न है साथ ही, प्रयास करेंगे आप सभी बताने का। प्रश्न संख्या 7th नंबर की बात करें, कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर बन सकता है, 7th नंबर की अगर बात करें दोस्तों, क्या आपका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों आप जानते हैं जब RTE 2009 आया, उसमें बोला गया कि बच्चे को हम मार पीट नहीं सकते हैं, शारीरिक दंड आपका समावेश आपसे बात करें RTE का हनन हो जाएगा, मतलब राइट टू एजुकेशन बच्चे का जो अधिकार आया 2009 में, वह उसमें लिखा गया सीधा सा कि शारीरिक बच्चे उस शारीरिक दंड नहीं देना है। इसका मतलब सार्थक अधिगम को बढ़ावा इससे शारीरिक दंड के आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से आप बात करें, जो आपका एनवायरमेंट ऐसा बनाए बच्चे के बीच जो एक तरीके से सहयोगात्मक हो, बच्चे एक दूसरे के हेल्प करके चीजें सीखें। सतत और मूल्यांकन की बात, सतत और समग्र मूल्यांकन की बात या सार्थक अध्ययन को बढ़ावा देगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, दोस्तों तुलनात्मक मूल्यांकन अपने आप से क्या हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता का हनन हो जाएगा। किसका? वैयक्तिक भिन्नता का, आप कह सकते हैं वैयक्तिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आप कह सकते हैं हनन हो जाएगा, और इसीलिए साथ ही आपका इसका आपका 4th भी गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से इसमें से करेक्ट होगा। डी ऑप्शन पूरी तरीके से आपका राइट आंसर साथ ही बन जाएगा। 7th का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8 नंबर के लिए साथ ही बात करें, कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख होगा, ऐसा आप सिखा, अनुबंधन, कर रटकर याद करना, कर अनुकरण, या कर अर्थ निर्माण। साथ ही कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख होगा, कौन सा इसमें एक प्रमुख बनने की बात कर रहा दोस्तों, क्या अनुबंधन के द्वारा, क्या करें एक प्रमुख की बात करें सिर्फ अनुबंधन के द्वारा अगर बच्चे को सिखाएं तो दोस्तों अनुबंधन के द्वारा या सार्थक सीखने के लिए प्रमुख नहीं बनता है या प्रमुख नहीं। अनुबंधन को हमने देखिए, अनुबंधन की बात कौन करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, और व्यवहारवादियों के हिसाब से शिक्षा की बात नहीं की जाती। व्यवहारवादी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की हमेशा चर्चा करते हैं, रट कर याद करने या भी दोस्त गलत होगा, अनुकरण के द्वारा नहीं, अर्थ निर्माण आपका राइट होगा। क्या होगा? अर्थ निर्माण, मीनिंग मेकिंग, आपको कैसा बनाना है सार्थक है, एक तरीके कौन सा सीखने के लिए प्रमुख होगा दोस्तों, अर्थ निर्माण। जब आप मीनिंगफुल सिखाने की कोशिश करेंगे या अर्थ निर्माण एक तरीके से लर्निंग करने इफेक्टिव करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रभावित होगा। 8 का होगा दोस्तों डी ऑप्शन बनेगा। 9th नंबर के लिए चर्चा करें साथी, करंट निम्न में से कौन से कथन
सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। कौन सी इसमें से विशेषता नहीं मानना चाहिए? कह शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। कह सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। कह सीखना एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होता है। कह अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे कौन सी एक विशेषता नहीं मानता है। तो दोस्तों कौन सा इसमें से गलत होगा, कौन सा इसमें से सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्त देखिए इसी प्रकार से आपके या स्टेट के जो आपके पेपर होगा दोस्त वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप सभी बताने का प्रयास करेंगे नाइन्थ नंबर की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों आपका इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है, क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों कह रहा है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र क्या है, स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दोस्तों आप जानते हैं अधिगम की अगर हम चर्चा करें तो अधिगम आपके लिए कह सकते हैं सिर्फ कि विद्यालय तक ही सीमित नहीं है। विद्यालय तक अगर हम बात करें, विद्यालय तक सीमित प्रक्रिया नहीं दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हैं एक तरीके से कह सकते हैं जो अधिगम होता है एक सामाजिक प्रक्रिया होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है? सामाजिक प्रक्रिया आप मान सकते हैं दोस्तों, और आप कह सकते हैं निरंतर प्रक्रिया चलने वाली प्रक्रिया मान सकते हैं। तो एकमात्र सिर्फ स्थान है जहां अधिगम होता है दोस्तों, इसका मतलब कहीं ना कहीं निराधार बातें हैं। एकमात्र लगने से अपने आप से निगेटिव बनेगा, और जब निगेटिव है तो हमारा सही ऑप्शन भी यही बनेगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंटेंस पूछ रहा था। तो निगेटिव सेंटेंस होगा नाइन्थ का ए ऑप्शन, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया सही है। ये क्या ब्रॉड प्रोसेस है दोस्तों, कहीं ना कहीं सीखना एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, आपको लक्ष्य तक उन्मुख करता है दोस्तों। अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया एकदम आपका सही होगा दोस्तों। लर्निंग इज आल्सो ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड इज क्या आप कह सकते हैं दोस्तों लर्निंग। तो आपका इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डी और सी और बी एकदम पॉजिटिव है, लेकिन ए ऑप्शन आपका गलत था क्योंकि हमसे विशेषता नहीं पूछ रहा था, जो गलत है वही हमें ढूंढना था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, किसी एक से अधिगम की सहायता नहीं मिलती। अनुकरण होगा या फेड़ा होगा या स्कूल की व्यवस्था होगा या पुरस्कार होगा दोस्तों। इसमें से करें किससे अधिगम की सहायता नहीं मिलती है शिशु को, किससे अधिगम की सहायता नहीं मिलती है दोस्तों। बात करेंगे इसमें से क्या आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों अगर बच्चा कोई अनुकरण करे अधिगम में सहायता, किसी का अनुकरण बच्चा करेगा तो कुछ ना कुछ उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, कुछ ना कुछ उपयोगी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का बच्चा अनुकरण करता है, बच्चा मोटिवेट होता है तो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा सीखने के लिए। बच्चा पुरस्कार पाता है तो बच्चा अगर पुरस्कार पा रहा तो वह भी उसको सीखने में मदद करेगा। लेकिन आपका स्कूल का बस्ता बहुत हैवी लगा देंगे, क्या उससे बच्चे को सहायता मिलेगा दोस्तों? कभी नहीं दोस्तों। बड़े बाइक से क्या बच्चे को सीखने की ज्यादा क्षमता आ जाएगी? कभी नहीं। जब तक बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चा समझ नहीं सकता है। और इसी प्रकार से अगर दोस्त बात करें तो बस्ता आपका स्कूल बैग आपका यही राइट होगा, क्योंकि स्कूल के बैग से कोई मतलब है नहीं दोस्त। प्रश्न संख्या 11 नंबर के लिए, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? करा किससे अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती दोस्त? क्या अनुवांशिकता से, क्या वातावरण से, क्या शिक्षण से, या राष्ट्रीयता से दोस्तों? क्या रहा अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है, किससे आपका इसमें से राइट आंसर बनेगा दोस्तों? आप जानते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं साथी अगर हम चर्चा करें तो अनुवांशिकता से क्या अधिगम प्रभावित होता है? एकदम दोस्तों, आपकी अनुवांशिकता जैसा आपका हेरिडिटी होगा, आपकी बुद्धि क्षमता होगी, आपका ग्रहण क्षमता होगी, आपको सोचने क्षमता या आपके लिए अनुवांशिकता इसका प्रभावित करता है। वातावरण भी दोस्तों आपके ऊपर, एनवायरमेंट भी आपको सीखने को प्रभावित करता है दोस्तों। प्रशिक्षण या शिक्षण आप कह सकते हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहा है वह भी प्रभावित करेगा, लेकिन राष्ट्रीयता आपको शिक्षण से क्या लेना देना दोस्तों? आपका अधिगम क्षमता से कोई फर्क इसमें से नहीं पड़ने वाला है। तो डी ऑप्शन इसमें से राइट दोस्तों। 12 नंबर के लिए कर गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? कर नियम अधिगम या संप्रत्यय अधिगम या समस्या समाधान? कर समस्या संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम दोस्तों। कर संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, या कर समस्या अधिगम, या कर दोस्तों नियम अधिगम, समस्या समाधान, या संप्रत्यय अधिगम दोस्तों। रॉबर्ट गैगने की बात करें, अधिगम का सोपानकी का सिद्धांत दिया है। किसके द्वारा? अधिगम सोपानकी दिया गया दोस्तों, अधिगम सोपानकी दिया गया है इनके द्वारा। अधिगम सोपानकी में इनके द्वारा 8 चरण में चर्चा की गई। कितने चरण में? 8 चरण में चर्चा की गई है। तो साथ ही इसमें से करा कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा?
क्या इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। रॉबर्ट गैगनी की बात करें दोस्तों, 8 चरण में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। अगर हम दोस्त बात करें कौन कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा, कौन कौन सा आपका इसमें से दोस्तों आपसे बात करें कौन कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर बन सकता है। चलेंगे दोस्तों, अगर बात किया जाए आप कह सकते हैं सबसे पहले उनके द्वारा जो बोला गया वह संकेत अधिगम बोला गया। क्या बोला गया? संकेत अधिगम बोला गया, संकेत अधिगम बोला गया। दूसरी की बात करें उनके द्वारा कहा गया, दूसरे चरण में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, दूसरा चरण बोला गया उद्दीपक अनुक्रिया। क्या बोला गया? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम बोला गया। तीसरे की बात उनके द्वारा कही गई दोस्तों, जिसे बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया की बात, वह श्रृंखला अधिगम की बात करते हैं। किसकी? श्रृंखला अधिगम की बात करते हैं। और बात किया जाए श्रृंखला अधिगम के बाद वह बात करते हैं शाब्दिक अधिगम की। किसकी? शाब्दिक अधिगम की बात करते हैं, शाब्दिक अधिगम की बात करते हैं। और बात किया जाए जो चौथे पांचवे की बात करें उनके द्वारा बात किया गया विभेदन अधिगम की, विभेदन अधिगम की बात, विभेदन अधिगम की बात की गई, मतलब विभेदन अधिगम। छठवें की बात उनके द्वारा कही गई दोस्तों, जिसे बोलते हैं संप्रत्यय अधिगम। क्या बोलते हैं? संप्रत्यय अधिगम की बात की गई, संप्रत्यय अधिगम की बात की गई। और बात किया जाए संप्रत्यय अधिगम की, संप्रत्यय अधिगम की चर्चा की जाती है दोस्तों। इसके बाद उनके द्वारा बोला जाता है जो सातवां है उसे बोलते हैं नियम अधिगम। क्या बोलते हैं? नियम अधिगम बोलते हैं दोस्तों। और अंतिम जो बात किया जाए उसे बोलते हैं समस्या समाधान। क्या बोलते हैं? समस्या समाधान बोलते हैं। तो दोस्तों यह आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, अगर हम चर्चा करें तो इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें से आपको छठवां, सातवां और आठवां चरण पूछा गया है, सातवां आठवां चरण। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण, आप सभी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। तो इसमें से 12 नंबर की अगर हम चर्चा करेंगे तो संप्रत्यय नियम और फिर समस्या समाधान छठवां सातवां आठवां क्रम से लगाने की बात हो रही थी, सही क्रम आपसे पूछ रहा था। दोस्त आपके सामने है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैगनी ने अपने अधिगम सोपान इनके में सर्वाधिक निम्न स्तर पर रखा है दोस्तों, सर्वाधिक निम्न स्तर पर? क्या संप्रत्यय अधिगम या शाब्दिक अधिगम या फिर संकेत अधिगम या श्रृंखला अधिगम को सबसे निम्न स्तर पर कौन सा साथी रखा है? अगर हम बात करें सबसे निम्न स्तर की बात करें, सबसे निम्न स्तर पर उनके द्वारा जो रखा गया दोस्तों संकेत अधिगम रखा गया। उसको संकेत अधिगम को सबसे, मतलब पहला चरण की बात करें तो संकेत अधिगम होता सबसे निम्न चरण है दोस्तों। अगर आपका क्या बनेगा? सी ऑप्शन इसमें से राइट होगा। संप्रत्यय की बात करें दोस्तों आप जानते हैं छठवां चरण है, शाब्दिक की बात करें दोस्तों यह आपका चौथा चरण हो जाएगा, श्रृंखला की बात करें तीसरा चरण हो जाएगा, यह आपका पहला चरण हो जाएगा। अगर साथी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सोपानकी पर निम्न स्तर पर किसे रखा गया, तो निम्न स्तर की अगर हम चर्चा करेंगे ऑप्शन संख्या सी बनेगा, सिंगल जो है लर्निंग आपका बनेगा, आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से थर्ड नंबर के लिए राइट आंसर बनेगा। साथी प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए करेक्ट कौशल, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, कौशल यहां पर होगा, कौशल, कौशल सीखने का, सीखने की पहली अवस्था क्या है? यथार्थता, एक कल्पनाशीलता या समन्वय या अनुकरण। दोस्तों करें कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या कहलाती है? कौशल सीखने अगर किसी बात किया जाए, कोई कहे हमें किसी प्रकार का स्किल सीखना है, तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहला जो स्किल सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है अनुकरण करना। किसी चीज का क्या करना? अनुकरण करना। जब आप अनुकरण करते हैं तो उसकी स्किल को सीखना शुरू कर देते हैं। तो पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, किसी चीज के स्किल सीखने के लिए अनुकरण करने की जरूरत होगी। क्या करने की जरूरत होगी? अनुकरण करने की जरूरत होगी। साथी अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, अगर बात किया जाए 15 नंबर के लिए चर्चा करें दोस्तों, अगर निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? अगर पुनरावृत्ति और अभ्यास, कर निर्देश और संचालन, कर अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया, कर कंठस्थीकरण और स्मरण। तो दोस्तों इसमें से क्या होगा, क्या आपका करेक्ट ऑप्शन बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कौन सा इसमें से, आपसे पूछ रहा कौन सा इसमें से निगेटिव बनेगा दोस्तों, कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो निगेटिव पूरी तरीके से है, मुख्य प्रक्रिया नहीं। आगे बात करें अधिगम की दोस्तों, तो जानते हैं दोस्तों या कंठस्थीकरण और स्मरण आपका इसमें से पूरी तरीके निराधार। पुनरावृत्ति और अभ्यास आप मान सकते हैं कुछ हद तक, निर्देशन और संचालन को मान सकते हैं कुछ हद तक, आप मान सकते हैं अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया को, लेकिन कह रहा मुख्य प्रक्रिया नहीं है, एकदम फर्जी आपसे पूछ रहा है।
कौन सा एकदम एकदम फर्जी होगा वह कंठस्थीकरण और स्मरण आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका क्या होगा, आपका इसमें से आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे 16 नंबर के लिए, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, शिक्षण के भाषण के द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रित, पाठ पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। आप जानते हैं बालक जो विविध प्रकार से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं दोस्तों, क्या शिक्षण के भाषण के द्वारा दोस्तों, शिक्षण के भाषण देने से बच्चा सीख जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, इस प्रकार से तो हम नहीं जानते सीखता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका शिक्षण के भाषण अपने आप में गलत होगा। तो कहीं कह सकते हैं आप प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछ करके, क्रिया करके तथा चिंतन करके बच्चा बेहतर सीखता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें 16 नंबर का दोस्तों, आपका क्या बनेगा, वह 16 नंबर का आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर होगा। तो आप कह सकते हैं बालक विविध प्रकार से कैसे सीखेगा, प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, बच्चा किस प्रकार से डिस्कशन करेगा, बच्चा आस्किंग क्वेश्चन करेगा एंड बाय टेकिंग एक्शन एंड थिंकिंग, कहीं ना कहीं बच्चा क्या करेगा, जो एक तरीके से मान सकते एक्शन, जो एक्शन बाय दी थिंकिंग, मतलब कहीं ना कहीं चिंतन के माध्यम से बच्चा सीखेगा, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सीखेगा। और इसी प्रकार से अगर बात करें बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्या शिक्षक द्वारा निर्देशित दोस्तों, शिक्षक द्वारा निर्देशित आप बच्चा कभी नहीं सीखता, नहीं सीख सकता, क्योंकि आप जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है ना कि शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक अपने हिसाब से कैसे सिखा पाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा है तो आप जानते हैं बालक के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब गलत है दोस्तों, डी ऑप्शन वैसे भी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब निराधार है। आपका 16 नंबर का क्या बनेगा, वह 16 नंबर का बी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें दोस्तों, 17 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर दोस्तों। आप जानते हैं इसमें से अगर अधिगम की वक्र की बात करें, अधिगम का वक्र किसने दिया था दोस्तों, अधिगम का वक्र देने वाला व्यक्ति एविंग हास है, कौन से है, एविंग हास महोदय है। अगर हम बात करें, अगर हम चर्चा करें दोस्तों अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है, वक्र कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों आप जानते हैं चार प्रकार का होता है, किसने प्रकार का, चार प्रकार का होता है। कौन सा कारक इसमें से नहीं होगा, कौन सा अधिगम का वक्र इसमें से नहीं, साथ ही प्रयास करेंगे बताने का कौन सा इसमें से नहीं हो सकता है जी, प्रयास करेंगे साथ ही आपका क्या इसमें से नहीं होगा। जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं सबसे पहले आपका एक सरल वक्र होता है, क्या होता है, एक सरल वक्र होता है, एक सरल वक्र होता है, आप जानते हैं एक सरल वक्र होता है दोस्तों, एक क्या होता है, एक मिश्रित वक्र होता है, क्या होता है, एक सरल वक्र होता है, एक मिश्रित वक्र होता है दोस्तों, एक आप जानते हैं, एक जानते हैं नतोदर वक्र होता है, नतोदर वक्र होता है दोस्तों, नतोदर वक्र होता है, और एक आप जानते हैं दोस्तों उन्नतोदर वक्र होता है, उन्नतोदर वक्र होता है, नतोदर वक्र होता है दोस्तों। उन्नतोदर वक्र को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक वक्र भी बोलते हैं, ऋणात्मक वक्र है, ऋणात्मक वक्र भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें नतोदर वक्र को जो जानते हैं, धनात्मक वक्र के नाम से भी जानते हैं, धनात्मक वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो साथ ही आपसे कह रहा है इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आप जानते हैं इनमें से लंबवत वक्र नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन परपेंडिकुलर, आपका कोई किसी प्रकार का वक्र नहीं है दोस्तों। अगर परपेंडिकुलर वाला वक्र किसी प्रकार का नहीं दोस्तों, आप जानते हैं सरल वक्र किसके द्वारा बनाया जाता है, मशीन के द्वारा बनाया जाता है। मिश्रित वक्र आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा दोस्तों, या किसके द्वारा, अगर पूछे मनुष्य के द्वारा कौन सा वक्र बनाया जाता है दोस्तों, तो मनुष्य के द्वारा जो वक्र बनाया जाता है वह मिश्रित वक्र ही बनाया जाता है, कौन सा, मिश्रित वक्र ही बनाया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसमें पठार बीच बीच में आता रहता है। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं व्यक्तित्व के द्वारा कभी किसी प्रकार का सरल वक्र नहीं बनाया जा सकता है, वह मिश्रित वक्र ही बनाया जा सकता है। तो आपका 17 का जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर होगा जो दोस्त। अगर 18 नंबर की बात करें, अधिगम वक्र में पठार बनता है, अधिगम के वक्र में पठार क्यों बनता है, कड़क परिपक्वता के कारण, कड़क अवेड़ा के कारण, या थकान के कारण, या कर अभिरुचि के कारण दोस्तों, अधिगम वक्र में पठार क्यों बनता है, क्यों अधिगम का वक्र बनता है दोस्तों, किसके कारण दोस्तों बनता है अधिगम का वक्र दोस्तों, किसकी वजह से बनता है दोस्तों, क्या अभिरुचि के कारण दोस्तों, क्या अभिरुचि, आप मोटिवेट रहेंगे तो पठार बनेगा, कभी नहीं दोस्तों, पठार दम नहीं बन सकता है आपका। जब आप मोटिवेट इंटरेस्टेड, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट लेंगे तो पठार कभी नहीं बनता दोस्तों, आप मोटिवेट रहेंगे तो कभी नहीं बनता, आप परिपक्व रहेंगे तो कभी नहीं बनता, लेकिन आप थकान हो जाएगा तो आप थकान होकर के थकान होगा तो आप सो जाएंगे, और जैसे सोए तो कहीं ना कहीं पठार बना। इस प्रकार से अगर हम बात कर सकते हैं थकान की वजह से पठार बनता है, और इसीलिए आपका दोस्तों
दोस्तों, सी ऑप्शन होगा। आपको इंटरेस्ट होगा किसी चीज में तो पठार बनेगा क्या? आप लगातार सीखते चलेंगे, लगातार पढ़ते चलेंगे, आपको कभी नहीं पठार बनेगा साथी। 18 का जो बनेगा सी ऑप्शन। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो और बाद में क्रम संबंध को दर्शाए, तो करा शुरू में क्या हो तीव्रता और बाद में मंदता, तो करा कि किस प्रकार का वक्र बनेगा? करा उन्नतोदर वक्र बनेगा, या कह सकते हैं नतोदर वक्र बनेगा, या मिश्रित वक्र बनेगा, या वक्र रेखा नहीं बनेगी दोस्तों। इसका मतलब वक्र रेखा तो जरूर बनेगी, मिश्रित वक्र दोस्तों इसमें से नहीं। मिश्रित वक्र में लगातार जो होता है घटता बढ़ता रहता है, और इसमें करा कि शुरुआत में क्या सीखने की, शुरुआत में तीव्रता सीखने की, बाद में क्या दर्शा रहा मंदता। इसका मतलब है यह ऋणात्मक वक्र बनने वाला है दोस्तों। कौन सा वक्र बनेगा? यह बनेगा, आप कह सकते हैं, यहां पर आप कह सकते हैं, इसे बोल सकते हैं उन्नतोदर वक्र। क्या बोल सकते हैं? उन्नतोदर वक्र बनेगा। उन्नतोदर वक्र को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऋणात्मक वक्र बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, शुरुआत में तीव्रता दर्शाती जाती है, बाद में मंदता आ जाती है, और इस प्रकार का वक्र कहलाता है उन्नतोदर वक्र। आपका कहलाएगा ए ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। नतोदर वक्र में दोस्तों आप जानते हैं, इसको मैंने आपको बताया धनात्मक वक्र के नाम से जाना जाता है, धनात्मक वक्र के नाम से। इसमें जब बढ़ता है तो बढ़ता रहता है। अगर आप जानते हैं नतोदर वक्र की, नतोदर वक्र की बात करें, शुरुआत में मंदता बाद में तीव्रता दर्शाई जाती है, लेकिन आपसे इसमें से शुरुआत में तीव्रता और बाद में मंदता पूछ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका दोस्त इसमें से कौन सा बनेगा? आपका ए ऑप्शन तो बनेगा, आपका ए ऑप्शन, आपका 19 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्त। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे और चीजों को पढ़ते हुए दोस्त आपको चलना है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें, 20 नंबर की चर्चा करें। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए निराकरण करने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर बात करें पठार के निराकरण करने के लिए क्या नहीं करना है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्त कारा कि सीखने, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, कर उनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए दोस्तों। अच्छा दोस्त, आप जानते हैं सीखने का पठार क्यों बनता है? क्योंकि जब इंटरेस्ट में कमी या कहीं ना कहीं थकान होता है, या कई रीजन है जो पठार बनता है। आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके बाद के शारीरिक स्वास्थ्य, या किसी प्रकार का स्वास्थ्य आपका सही नहीं है, तो फिर पठार बनता है साथी। और पठार आप जानते हैं, पठार हमेशा के लिए नहीं बनता है, पठार कुछ टाइम के लिए बनता है, आपका सकते हैं वह कुछ टाइम के लिए ही पठार बनता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर बात करें तो सीखने को अगर पठार बन गया है, सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो पठार अपने आप से खत्म हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर बात करें अच्छी विधि का प्रयोग किया जाए तो भी पठार धीरे से धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या उसे दंडित करना चाहिए दोस्तों? क्या आप पीटेंगे तो दंडित करने से पठार, क्या पीटेंगे तो पठार आपका, क्या दोस्त करा कि क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दंडित करेंगे तो पठार इसमें घटेगा कि बढ़ेगा? और पठार बढ़ेगा, घटेगा नहीं, पीटना कभी नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से अगर बात करें 20 का आपका कौन सा बनेगा, वह सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर के लिए, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि, यदि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषयवस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? मतलब वह कह रहा कि इस विद्यार्थी को, एक शिक्षक को क्या लग रहा है कि कुछ लग रहा है कि उसका एक विद्यार्थी क्या पहले विषय वस्तु को भली भांति क्या करता था दोस्तों, सीख रहा था, लेकिन अब स्थिरता आ गई, इसका क्या रीजन है दोस्तों? कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, या विषय की स्पष्टता को पढ़ाना चाहिए, स्पष्टता को पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए दोस्तों? क्या करना है? स्थिरता आ गया है तो अब क्या करना चाहिए दोस्तों? उस शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? अगर आपका विद्यार्थी किसी प्रकार की बात करे, स्थिरता आ गया है तो विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था पहले, अब स्थिरता आ गया तो कहीं ना कहीं वह अब क्या हो गया, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानते मानना चाहिए दोस्तों। ऐसा होता है कि कभी बहुत आप कभी बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, और कभी कभी आप बहुत धीमी, थोड़ा सा रफ्तार धीमा हो जाता है, तो यह स्वाभाविक क्रिया है, सीखने की स्वाभाविक स्थिति है, और ऐसा बहुत चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ए ऑप्शन इसमें से 21 का बनेगा। क्या बनेगा? ए ऑप्शन की जरूरत बनेगा। देखिए उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए दोस्तों। उपचार का मतलब एक तरीके से, यानी पहले निदान, बच्चे में रुचि नहीं ले रहा तो दिक्कत है, रुचि लेने के लिए पहले निदान कीजिए, उसकी रुचियों को समझिए, फिर उपचार कीजिए, या तो दूसरी चीजें हो गई। विद्यार्थी को मोटिवेट करने की बात अभी नहीं यहां पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चा सीख रहा था, बच्चा सीख रहा था तो कुछ देर के लिए क्या रुका है, कुछ देर के लिए स्थिरता आ गई है, तो यह स्वाभाविक कंडीशन
मान सकते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते आप मोटिवेट करने की जरूरत है। हाँ, कुछ ज्यादा टाइम तक रुका है तो मोटिवेट करने की जरूरत है। दोस्तों क्या स्पष्टता को पढ़ाना चाहिए विषय को, तो आप तो पढ़ा ही रहे हैं, पहले अगर नहीं पढ़ा रहे होते तो बच्चा पहले से तो नहीं सीख रहा होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन इस प्रश्न के थ्रू अगर हम चर्चा करें तो आपका 21 का जो राइट आंसर बनेगा वह यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें 22 नंबर के लेकर, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? क्षैतिज स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण या द्विपार्श्विक स्थानांतरण? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति को कार चलाना किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा साथी, किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा? प्रयास करेंगे दोस्त आप बताने का इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति को आप बात करें कार का चलाना, वह आपका दोस्तों क्या कहलाएगा? ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाएगा। धनात्मक तब होता है जब आप किसी चीज में पहले आप सीखे उसमें आप कुछ और ऐड करते तो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है जैसे आप फिजिक्स के सवाल, फिजिक्स से जो नियम है कभी कभी आपके मैथ आपने सीखा है तो फिजिक्स में भी उसका अप्लाई किया जाता है, चीजें फॉलो की जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्षैतिज स्थानांतरण आप बोल सकते हैं। द्विपार्श्विक स्थानांतरण का मतलब होता है अगर आप बाएं दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, दाहिने हाथ से लिखते हैं और आपका दाहिने हाथ वाला जो गुड़ है आप बाएं के हाथ से भी उसी प्रकार से लिखना प्रारंभ कर दें तो फिर द्विपार्श्विक कहलाता है। मतलब एक कार्य का जो जिस जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं किसी कार्य को कर रहे हैं और वह कार्य दूसरे तरीके से आप उसको कर ले जाएं तो आपका कहा जाता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। और ऊर्ध्व स्थानांतरण ऊर्ध्व आप बोल सकते हैं ऊर्ध्व जो है अंतरण कहलाता है। दोस्तों स्थानांतरण की अगर हम बात करें जैसे आपका एक कंडीशन है जैसे आप बाइक चलाना सीख रहे हैं तो बाइक का क्या कंडीशन है, आपको क्लच ब्रेक इस तरीके से अगर बात की जाए, आपका साइड कैसे फॉलो करना है, किस साइड में कैसे चलाना है, आप कुछ ना कुछ जानते हैं। उसी प्रकार से कार भी चलाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके पास जानकारी रहेगी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ऊर्ध्व स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। क्षैतिज तब होता है जब आप किसी भाग को किसी दूसरी जगह यूज करते हैं उसका पॉजिटिविटी। अगर दोस्तों धनात्मक कब होता है जब आपने कुछ सीखा है, जैसे अगर हम बात करें ABC हमने सीखा है और उसके बाद हम क्या करेंगे ABC और D अगर आए तो या आपका D एक्स्ट्रा सीखेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। दोस्तों 23 नंबर के लिए कर एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय को हल करने में करता है तो यह क्या है? कर अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, कर अधिगम का शून्य स्थानांतरण, कर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या प्रेरणात्मक स्थानांतरण? कर कि गणित का उपयोग किसी अन्य विषय में हल करने को करता है तो दोस्तों हम जानते हैं कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा। किसी बात को सीख करके बच्चा दूसरी जगह यूज कर रहा है तो आपका शून्य स्थानांतरण। तो शून्य में दोस्तों आप जानते हैं कोई ना लाभ होता है ना हानि होता है, इसका मतलब गलत होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए अन्य विषय को हल करता है तो हल करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव में लेंगे आपका ए ऑप्शन बनेगा। दोस्तों सी नहीं होगा क्योंकि नकारात्मक की बात नहीं कहता, अगर रुकावट पैदा करा तो फिर नकारात्मक होता है, प्रेरणात्मक स्थानांतरण कोई होता नहीं साथी। तो आपका जो राइट आंसर 23 का बनेगा वह 23 का साथी कौन सा बनेगा, वह 23 का आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा आपका 23 का जो बनेगा वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ध्यान देते हुए चलेंगे दोस्त और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 24 नंबर के लिए साथी अगर बात करें करा कि 24 नंबर का एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, इस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? करा धनात्मक स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण या ऊर्ध्व स्थानांतरण या द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक में होता है किसी एक अंग का दूसरे अंग में स्थानांतरण हो जाना, द्विपार्श्विक। तो इसमें क्या कर रहा है, गुणन के सवालों को हल करना सीखता है एक विद्यार्थी, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं दोस्तों जैसे आप बात किया जाए, आप जानते हैं चाहे दो प्लस दो आप कहें तो कोई कहेगा तो आप कहेंगे दोस्तों चार होता है, दो प्लस दो चार होता है, कहेंगे दो और अगर दो में दो गुणा कर देंगे दोस्तों तो भी आपका क्या होता है चार होता है। कोई आपसे कहे दो प्लस
चार कितना होता है तो आप कहेंगे छह होता है। अगर आप कहें दो को तीन बार से गुणा कर दीजिए तो फिर क्या होगा, छह हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जानते हैं इस प्रकार कहीं ना कहीं योग सेवा क्या कर रहा है, गुणा का यूज कर रहा है। योग से क्या कर रहा है, गुणा का यूज कर रहा है। यहां पर कहना वह अपने गुणा अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है किसके लिए, वह सवालों को हल करने के लिए, गुणन के सवालों को हल करने के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊर्ध्व स्थानांतरण हो रहा है तो पहले उसने सीखा है कुछ और उसका कहीं ना कहीं यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ऊर्ध्व होगा। जैसे बाइक चला करके कार को चलाना दोस्तों आपका होगा ऊर्ध्व स्थानांतरण। आप कह सकते हैं इसमें से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें करें कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत नियम, या फिर आपका करा उपयुक्त सभी। करें थॉर्नडाइक का जो नियम था पुरस्कार सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को कौन सा बताता है, दंड और पुरस्कार को कौन सा नियम बताता है। जी प्रयास करेंगे दोस्त इसमें से कौन सा होगा, दंड और पुरस्कार का कौन सा बताता है। दोस्तों देखिए आप तत्परता वाला, दोस्तों तत्परता वाला अब प्रस्तावना कौशल में यूज होता है। किसमें, तत्परता वाला दोस्तों प्रस्तावना कौशल में यूज होता है। किसमें, प्रस्तावना कौशल में यूज होता है। या दोस्तों अगर बात करें प्रभाव का, एकदम आपका जो इसमें से राइट होगा, पुरस्कार और दंड वाला जो यूज होगा महत्व बताता है, वह प्रभाव का इफेक्ट वाला इफेक्ट जो इफेक्टिव लॉ है उसको बताता है। देखिए दोस्तों थॉर्नडाइक ने महोदय ने कहा, थॉर्नडाइक एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बोले जाते हैं दोस्तों थॉर्नडाइक। उनका सिद्धांत जो बोला जाता है वह त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत बोला जाता है। उनके द्वारा कहा गया आप त्रुटि करते चलते प्रयास करते हुए चलेंगे तो आप धीरे धीरे सीखते चलेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने कहा थॉर्नडाइक ने अधिगम के तीन मुख्य नियम दिए जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उनका उनके द्वारा कहा गया अगर आप तत्पर रहते हैं तो आप अगर तत्पर रहते हुए अभ्यास करेंगे तो प्रभाव आपके ऊपर ऑटोमेटिक पड़ेगा। उसी प्रकार से दोस्त पूछ रहा है थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है, तो साथ ही आप कह सकते हैं वह प्रभाव का नियम है। कौन सा दोस्त, वह प्रभाव का नियम बताता है और इसीलिए 25 का बनेगा बी ऑप्शन। दोस्त इसमें से 26 नंबर की अगर हम चर्चा करें, करा कि 26 नंबर में करा अधिगम कार्य के लिए, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, तत्परता की अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। कर अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं, यह कर शिक्षक विद्यार्थी को बाह्य पुरस्कार के निर्णय करने में कमजोर होते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन को पहले पढ़िए और कर अधिगम कार्य करने के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि क्या इसका प्रभाव है साथी, क्या इसका प्रभाव है जो ऐसा होता है, ऐसा जो होता है इसका क्या प्रभाव है। प्रयास करेंगे दोस्त इसमें से आप बताने का, इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर बन सकता है। 100 अगर हम बात करें दोस्त 26 नंबर के लिए, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षार्थी के लिए कठिन है क्योंकि तत्पर के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। दोस्तों गलत, तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं। अगर अभिभावक के अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं दोस्तों ऐसा सी ऑप्शन तो गलत होगा। शिक्षक शिक्षार्थियों को बाह्य व्यवहार के लिए निर्णय लेने में कमजोर होते हैं दोस्तों, ऐसा भी गलत है। दोस्तों कर तत्परता के अधिकतर बाह्य तत्व रूप से दृश्य होते हैं जी तत्परता के लिए। दोस्तों एकदम आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं दोस्तों आप कह सकते हैं तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं जी। एकदम दोस्तों आपके ऐसा कह सकते हैं एक साथ प्रवक्त आप कह सकते हैं आपका बी ऑप्शन इसमें से राइट होगा। क्या होगा इसमें दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थी की तत्परता का आकलन, अधिगम कार्य के लिए तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्यों, क्योंकि तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। दोस्तों आप ऐसा मान सकते हैं आपका बी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। 27 नंबर के लिए का अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत दोस्तों आप जानते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है जिसे हम बोलते हैं सोशियो लर्नर
थ्योरी, इसमें उनके द्वारा अनुकरण पर बात की गई, उनके द्वारा बताया गया नकल के द्वारा हम बच्चा सीखता है, बच्चा समाज से अधिगम करता है और ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो कौन सा इसमें से राइट होगा? अगर बच्चे के सीखने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, कर अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, कर संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है दोस्तों, खेल अनिवार्य है और उसके विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दोस्तों बात करें खेल अनिवार्य है उसके बाद की बात अगर बात किया जाए, खेल अनिवार्य है और प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो ऐसे बात करते हैं वाइगोत्स्की महोदय। कौन? वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं खेल को महत्व देते हैं और कहीं ना कहीं उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा मानते हैं वाइगोत्स्की महोदय। इसका मतलब डी ऑप्शन गलत होगा। तरह संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास के स्वतंत्र है दोस्तों, आप कह सकते हैं एकदम नहीं स्वतंत्र नहीं दोस्तों, उसी का एक भाग है। संज्ञानात्मक विकास अगर बात किया जाए कहीं ना कहीं सामाजिक विकास का स्वतंत्र नहीं हो सकता दोस्तों, एकदम सही है। तरह अनसुलझा संकट बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, ऐसा भी नहीं दोस्त, आप बात किया जाए जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं प्रतिरूपण के माध्यम से, कहीं ना कहीं मॉडलिंग के माध्यम से बच्चा सीखता है। अगर बात किया जाए किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अल्बर्ट बंडूरा कहां के निवासी थे दोस्तों? कहां के थे? कनाडा के निवासी थे और यह इनका जो शिक्षा हुई थी वह अमेरिका में हुई थी और इनका जो प्रयोग किया था वह बेबो डॉल पर किया था। किस पर? बेबो डॉल पर किया था, बेबो डॉल पर किया था और उनके द्वारा जो सिद्धांत निकाला गया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बहुत ही मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर हम बात करें बंडूरा की बात की जाए तो आपका सीधा सा 27 का बनेगा वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 28 नंबर के लिए दोस्त अगर बात करें करा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? करा प्रकृति पर, करा प्रतिरूपण पर, करा अनुकूलन पर, पाठ संशोधन पर। दोस्तों अगर हम बात करें सामाजिक अधिगम का जो मुख्य घटक है सिद्धांत है किस पर बल देता है दोस्तों, वह प्रतिरूपण पर देता है, मॉडलिंग पर देता है। आप कह सकते हैं जो मॉडलिंग पर, प्रतिरूपण पर, आपका सी ऑप्शन इसमें से बनेगा। बी ऑप्शन आपका प्रकृति पर कोई मतलब नहीं दोस्तों, अनुकूलन का मतलब नहीं था, आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह प्रतिरूपण हो जाएगा। 29 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है? कौन सा ऐसा है जो प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है विद्यालय में, ऐसा पूछ रहा है। आवंटित समय उस कार्य से अधिक है जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। करा कार्य का पैटर्न और व्यवस्था। करा चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया है आकर्षक और प्रासंगिक नहीं है। करा कार्य में सुगमता का स्तर। दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है, 29 नंबर के लिए प्रयास करेंगे साथी बताने का इसमें से आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। एकदम दोस्त प्रयास करेंगे बताने का इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर बन सकता है दोस्तों। आपसे कह रहा है यहाँ पर कौन सा राइट होगा। करा आवंटित विषय उस कार्य से अधिक है जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है दोस्तों, ऐसा गलत है। तो असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है कौन सा? करा कि कार्य का पैटर्न और व्यवस्था नहीं दोस्तों, पर चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया है आकर्षक और प्रासंगिक नहीं, एकदम दोस्तों। जब आकर्षक और प्रासंगिक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा असफल होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। और इसीलिए दोस्तों आपका क्या बनेगा, जो आपका ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या सी, असफलता प्रभाव निर्धारित करता है, मतलब कहीं ना कहीं फेल की बात कर रहा है। कौन सा निर्धारित करेगा? जब आकर्षक और प्रासंगिक नहीं होगा तो बच्चा ऑटोमेटिक है बच्चा फेल ही होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था निगेटिव, तो निगेटिव ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ठीक है, आपके बात करिए अंतिम प्रश्न है, कला प्रदर्शन में सफलता, प्रदर्शन में असफलता कर रहा है, प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अध्ययन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों प्रदर्शन में जो असफलता है बच्चे के अध्ययन का एक अनिवार्य हिस्सा है? क्यों? करा यह आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करता है, या बच्चों को बुरे में अनुभव के लिए तैयार करता है, या पुनः परीक्षा में छात्र की मदद करता है, या बच्चों को समझने के लिए आसक्त बनाता है कि बड़ा या छोटा जोखिम उठाना उनके अध्ययन के पथ में महत्वपूर्ण है। साथी प्रश्न संख्या लास्ट प्रश्न आपके सामने दोस्त है, इसमें से क्या आपका राइट आंसर बन सकता है? क्या इसमें से आपका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे, प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि जो प्रदर्शन में असफल बच्चा हो जाता है क्यों होता है? देखिए, यह बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है और छोटा या बड़ा जोखिम उठाना उसके अधिगम के पथ के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम सही दोस्तों, सही है। आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए क्या, यह आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। क्या भैया प्रदर्शन में असफलता होगी तो आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करेगी? कोई दोस्त नहीं। या बच्चों को बुरे में अनुभव को तैयार करता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। या पुनः परीक्षा में छात्र को
छात्र की मदद करता नहीं साथ, या होगा या बच्चे को समझने के लिए, जब बच्चा प्रदर्शन में असफल होगा तो सीधा सा मतलब असफल हो सकता है साथी, या बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है, कहीं कहीं ना कहीं बच्चों को सीखने के लिए क्या करना, समझने के लिए सशक्त बनाता है, साथ ही साथ बच्चा या की बड़ा और छोटा जोखिम उठाना उनके अधिगम के पथ में महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर साथी जो ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा, क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा। इस प्रकार की साथी अगर बात करें, आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो आप सभी के बिहार की बात करें, बिहार स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज यह चल रहा है जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला साथी, तो आप सभी को अच्छे से वॉच करना है, चीज़ों को सीखना है। जैसा भी सेशन लगा हो, एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो ऑफलाइन मोड में जाकर के आप सभी क्लास के बारे में लिख सकते हैं कि दोस्त आप सुझाव दे सकते हैं, जैसा भी सेशन लगा हो आप सभी जरूर बता सकते हैं दोस्तों। और अगली क्लास में तब तक लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू क्लास, थैंक यू, धन्यवाद।